मंगल ओ मंगल 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 क्या हुआ क्या हुआ मंगल अरे ओ मंगल होश में आ क्या हुआ क्या हुआ अरे मंगल क्या है काजल क्या काजल अरे करीब आओ काजल कौन काजल कौन काजल कौन काजल खड़े हो जा खड़े हो मंगल क्या तुम को अपनी हवेली में इसी के वास्ते रखा था और माने मेरी पहले गलतियां क्षमा कर दिए वाले अच्छा अब ऐसी ठीक है लेकिन ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए जाओ जाओ हमारे दुश्मन को ले आओ जिसका नाम है हीरा जिसको हमने छोड़ा मत कोठरी में ठीक है जाओ आप बैठिए मैं अभी क्या हुआ मारा हीरा सारा हीरा जेल के शिकंजे को फैलाकर जेल से फरार हो गया क्या हाँ जेल का शिकंजा फैलाकर और फरार हो चुका सिक्ची वाली सी यानी ये सब तुम्हारी चाल है नहीं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया सारा जेल का शिकंजा फैलाकर निकल गया ठीक है वो हीरा हराम जाना सभी राजमानी चंद के हाथों से नहीं बचेगा उसको हम मौत के घाट उतार देगा मंगल बेटे ये बुढ़िया है बुढ़िया जिसके ऊपर हमारा 5,000 रुपए है लेकिन वो हराम जादी इतनी मुसीबत की मारी है कि वो हमारा रुपया दे नहीं सकती है अरे इसलिए उसकी एक जवान बेटी है जिसका नाम राधा है राधा उसी राधा को उठा करके हमारी हवेली में लाना है मारे क्या दाखला आपके सड़कों पर ठीक है जैसे आप चाहते वैसा मेरे कर्तव्य आओ आओ हमारे साथ चलिए बेटी राजा हाँ माँ ठीक
ठीक हो? हाँ मामा ठीक, आप ठीक हो ना? अभी तक देखी तुम्हारे भैया जी नहीं आए, ना जाने कहाँ पे। हाँ ये बेटी है, ठीक है चला सीधा। पटपावती यही है ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ ठाकुर साहब? दुखिया के तो आर पे है 5,000 रुपए ठाकुर साहब। क्या मैं खाने के लिए मोहताज हूँ? 5,000 तो बहुत बड़ी बात है। यही है राधा बुढ़िया, जब तेरे पास देने का पैसा नहीं है तो अपनी बेटी राधा को हमारे साथ भेज दे। ठाकुर साहब अपनी सलाउडियों को दे दो मेरे मांगल बैठे। उठा उठा ना भाई, ठाकुर साहब उठा, आओ ले चल हमारी मत ले जाओ, मत ले जाओ ठाकुर साहब। मंगल बेटे आप तुम जाओ और गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने नहीं पाए। मंगल सिंह के रहते हुए